तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल। तो आज हम लोग बनाने वाले दूसरा वीडियो और अपने भाई के चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं माइकल जैक्सन के बारे में कुछ सीक्रेट, और आज भी हम गौरव कोटोरिया के बारे से देखेंगे। दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाई गौरव कटारिया बिकॉज आई डोंट हैव दैट मच सब्सक्राइबर दैट some company will come and say please sponsor me। English भाई, English आती है। तो आपको पता है आपको क्या काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप नए हो तो तब चैनल को सब्सक्राइब करना है, नहीं तो ऐसे ही रह दे दीजिए। और आपको पता है हमारा टारगेट क्या है, इस वीडियो में भी 10K लाइक्स आने चाहिए और 2 महीने के अंदर अंदर हमारे 1 मिलियन होने चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जीने का टारगेट रखने वाला दुनिया का ये वीडियो माइकल जैक्सन के बारे में होने वाला, तो कुछ मिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। अमीर पॉप स्टार कैसे 50 साल की उम्र में मर गया, या फिर वो आज भी जिंदा है। हमारे दिलों में जिंदा है वाली बात नहीं कर रहा हूँ, रियल लाइफ में जिंदा है। जानेंगे माइकल जैक्सन की मौत का सीक्रेट आज के वीडियो में। 45 डिग्री वाला ये डांस तो सभी ने देखा है, सब इसके दीवाने हैं। लेकिन क्या आप ये फैक्ट जानते हैं कि ये डांस मूव कोई और क्यों परफॉर्म नहीं करता। अब आप सोचो कि बताएगा वही जूते वाला सीक्रेट के जूते में कील लगी रहे। नहीं, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है जो आप करते नहीं हो, ना पढ़ाई में ना किसी चीज में, बस ऐसे ही डाल देते हो। दीदी ना ना ना, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कुछ अलग सा सीक्रेट। जानेंगे हम क्यों माइकल जैक्सन पब्लिक में जाने से पहले मास्क पहनते थे, जबकि उस टाइम तो कोरोना जैसी कोई चीज ही नहीं थी। और आखिर क्यों कराई माइकल जैक्सन ने इतनी सारी प्लास्टिक सर्जरी गोरा होने के लिए। ना बाबू ना, इसके पीछे भी एक गहरा राज है। तो भैया आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं माइकल जैक्सन के बारे में कुछ अमेजिंग सीक्रेट्स। गोरा होने के बारे में नहीं, शायद वो थोड़े मोटे होंगे या फिर अच्छा दिखना चाहते हो। वही पुराने घिसे पेटे सीक्रेट नहीं जो YouTube पे तुम देखते हो। आज के वीडियो में है कुछ खास जिसे देखने के बाद आप खुद कुछ खास है। तो प्लीज इसको भी सब्सक्राइब करें, मुझको भी सब्सक्राइब करें, मैं ही ले कंटेंट देता हूँ। वॉक करने लग जाओगे तो भले ही 50 रुपए काट लेना मेरी ओवर एक्टिंग के, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि भाई बहुत मजा आने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू। और मेरे भी ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काटना, बस 50 सब्सक्राइबर मत काटना। आज का तगड़ा वीडियो, 50 सब्सक्राइबर मत काटना। सोचने वाली बात तो यह है, 150 साल जीने का टारगेट रखा था माइकल जैक्सन ने, लेकिन अफसोस कि वो सिर्फ 50 साल की उम्र में ही मर गए। 150 इयर्स का टारगेट रखा था, उसमें 1 हटा दीजिए, उतने इयर्स वो जिए, बस 1 आपको ऐड करना था, कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई वो 150 साल कैसे जीने वाला था, क्योंकि भाई उनके इंतजाम बहुत तगड़े वाले थे। अरे बहुत सारे डॉक्टर थे जो इसको अलाइव कर सकते थे। कुछ माइकल जैक्सन के घर पर 12 डॉक्टर्स की टीम 24 घंटे रहती थी, जो हर दूसरे दिन उनका चेकअप करती थी। सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक उनका चेकअप किया जाता था, और टोटल 25 साल तक उन्होंने डॉक्टर की बिना सलाह के कुछ भी खाया पिया नहीं था। मतलब वो जो भी खाते थे पहले डॉक्टर से पूछ लेते थे। और तो और भाई, उनके घर में एक लैब बनी थी जिसके अंदर उनके लिए खाना जो बनता था उसकी पहले टेस्टिंग की जाती थी, उसके बाद ही माइकल भैया उस खाने को खाते थे। लेकिन ये तो वो कितने अच्छा अच्छा हमारे तो बाल हुआ कुछ भी हुआ दे दिया लो। फिर मम्मी को बोलते, अरे हमारे हाथ ही हमारे आँख ही लैब टेस्टिंग के लिए होते, अरे मम्मी बाल है। कोई भी अमीर आदमी कर लेगा, लेकिन माइकल जैक्सन करते थे कुछ खास भाई। वो ऑक्सीजन बेड पर सोते थे, बिना दस्ताने पहने वो किसी से हाथ नहीं मिलाते थे, और बिना मास्क पहने वो पब्लिक में नहीं जाते थे। लेकिन मास्क पहनने के पीछे ये सीक्रेट नहीं है, एक और सीक्रेट है जो ऑक्सीजन बेड। लिटरली भाई इनकी लाइफ क्या मस्त थी, हमें तो हम लोग फ्लोर में सो जाते। बताऊंगा आगे, उन्होंने 15 लोगों की टीम रखी थी अपने घर पर जो उनको एक्सरसाइज करवाया करती थी, और उन्होंने अंग दान करने के लिए ऑर्गन डोनर भी रखे थे जिनको वो पैसे देते थे ताकि जब उन्हें समय पर किडनी गुर्दे ऑर्गन डोनर रखते थे, फेफड़े आँख या शरीर के किसी भी हिस्से की जरूरत हो तो वो उनको तुरंत मिल जाए। मतलब समझ रहे हो भैया, मौत को चकमा देने की पूरी तैयारी थी, उसके बावजूद भी 25 जून 2000 लेकिन चकमा नहीं दे पाए। जैसे कबड्डी होती है ना, चकमा देने की पूरी कोशिश की, मौत मौत की टीम आई,
पकड़ लिया और माइकल जैक्सन मेरे, प्लीज माइकल जैक्सन के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब बनता है अगर आप नए हो तो। को उनके दिल की धड़कन रुक गई क्योंकि कुदरत के आगे चलेगा। ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काटो बस, कुछ और कुछ भी काटो बस, 50 सब्सक्राइबर मत काटो, अभी मैं 20 सब्सक्राइबर तक ही पहुंचाऊं। किसी की नहीं चलती, पैसों से आप डॉक्टर्स और दवाई तो खरीद सकते हो लेकिन हेल्थ नहीं। लेकिन क्या सच में माइकल जैक्सन मर चुके हैं? पैसे से हेल्थ खरीद सकते हैं ना, देखो PS5 लाएंगे, PS5 खेलने के बाद हम खुश रहेंगे, खुश रहेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे और जितना साल जी और हम लोग 100 ईयर से ज्यादा जी सकते। इससे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये फैक्ट है, फैक्ट। मरते समय 50 साल की उम्र में उनकी हालत क्या हो गई थी? उनके पोस्टमार्टम से पता चला था कि उनका पूरा शरीर जर्जर हो चुका था, वो गंजे हो चुके थे, उनकी पसलियां और कंधे की हड्डियां टूट चुकी थी, उनकी बॉडी पर अनगिनत इंजेक्शन के निशान थे। और इतने सारे इंजेक्शन वो क्यों लेते थे? क्योंकि उन्होंने इतनी सारी प्लास्टिक सर्जरी करवा रखी थी और उसके दर्द से छुटकारा पाने के लिए उनको दिन में दर्जनों इंजेक्शन लेने पड़ते थे। पैसा तो बहुत था लेकिन सुख नहीं था भाई, टेंशन ही टेंशन। और खुश रहे यहाँ पे बिना पैसे की भी टेंशन है, उनको पैसे की सारा टेंशन चलेगा भाई, मैं कभी प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाऊंगा। के लिए वो लेते थे दवाइयों का सहारा। अच्छा आपने कभी सोचा है कि 45 डिग्री मूव करने वाला एंटी ग्रेविटी डांस केवल माइकल जैक्सन ही क्यों परफॉर्म करते थे? क्या कोई और उनके जैसा बेस्ट डांसर नहीं था, या उसके पास वो ट्रिक नहीं थी, या कोई और ही रीजन है? सबसे पहला रीजन तो है इतनी प्रैक्टिस और इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कोई नहीं कर पाया। वीडियो के पहले क्या था, इतनी वो लोग प्रैक्टिस करते थे जितना आप नहीं करते। जैक्सन ने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की कि भाई बुढ़ापे तक मतलब 50 साल की एज तक प्रेशर की वजह से उनकी हड्डियां तक टूट गई और इसी की वजह से वो कर पाए वो असंभव स्टेप जिसे कहा जाता है एंटी ग्रेविटी डांस, जिसमें उनका शरीर 45 डिग्री तक झुक जाता था। ऐसा बताया जाता है कि वो एक खास जूता यूज करते थे जो स्टेज में लगी कील से जुड़ जाता था और उसके बाद वो ये स्टेप परफॉर्म करते थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा जूता या ऐसे किसी भी और जूते की मदद से भी कोई ये डांस इतने परफेक्शन के साथ नहीं कर सकता, क्योंकि भाई माइकल जैक्सन के टैलेंट के पीछे एक जूता बस नहीं था, उसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत और खतरनाक वाली प्रैक्टिस। तो कभी आप भी किसी YouTube ट्यूटोरियल को देख के ऐसी डांस स्टेप करने की ट्राई मत करना, नहीं तो हो सकता है गलती से आपकी पीठ की हड्डी डैमेज हो जाए। तो भैया कोई और ये डांस परफॉर्म क्यों नहीं करता अपने म्यूजिक वीडियो में और लाइव परफॉर्मेंस में? क्योंकि उनका ये जूता जिसकी वजह से वो ये डांस परफॉर्म करते थे, वो जूता और उसकी डिजाइन पेटेंट है, कोई और ऐसा जूता नहीं बना सकता खासकर डांस को परफॉर्म करने के लिए। देखो वैसे तो ऐसे जूते मार्केट में मिल जाते हैं लेकिन मैं बड़े सेलिब्रिटीज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर वो इस डांस मूव को करेंगे जूते का यूज करके तो उन पर केस भी होगा और उन्हें पैसा भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये डांस मूव भी पेटेंट करा रखा था माइकल भैया ने। और यही सीक्रेट है कि भाई कोई और बड़ा सेलिब्रिटी इसको परफॉर्म नहीं करता। अब बात करते हैं मेन मुद्दे पर, क्या वाकई मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ लेकिन मैं घर पे ट्राई करता हूँ, बस यहाँ पे चोट लगती है कुछ नहीं। माइकल जैक्सन की डेथ नहीं हुई थी, माइकल जैक्सन पर अपने ऊपर किए गए खर्चे की वजह से, इलाज और डॉक्टरों की वजह से हो गया था $500 मिलियन का कर्ज था। और अगर वो मरते तो उन्हें इंश्योरेंस से इतना पैसा मिलता है कि उनका कर्ज तो उतर ही जाता और उसके अलावा भी उन्हें इतना पैसा मिलता है कि उनका परिवार मस्त ऐश की जिंदगी काटता। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि अपने कर्जे को उतारने के लिए और इंश्योरेंस का पैसा लेने के लिए माइकल जैक्सन ने अपनी ही मौत का ड्रामा रचा। नो टेंशन ओनली पेंशन कुछ भी। देखो भाई मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये केवल एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, क्योंकि भाई बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े पंगे होते हैं। खैर ये केवल एक प्रेडिक्शन है, दुनिया बहुत बड़ी है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और जब बात लाखों मिलियन डॉलर्स की हो रही हो तो भाई कोई भी कुछ भी कर सकता है। लास्ट फैक्ट की क्यों माइकल जैक्सन ने इतनी सारी प्लास्टिक सर्जरीज करवा रखी थी, क्या उन्हें गोरे होने का शौक था? द आंसर इज नो, उन्हें गोरे होने का कोई शौक नहीं था, बल्कि परफॉर्मेंस के दौरान उन्होंने गोल्डन सूट पहना था। तो इस गोल्डन सूट और हाई वोल्टेज लाइटिंग के कॉम्बिनेशन और साइड इफेक्ट की वजह उनकी स्किन में हो गया था डीप बर्न, जिसके इलाज की वजह से उन्हें एक के बाद एक प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ी और इसी की वजह से उनका रंग गोरा हो गया और उनकी नाक का शेप थोड़ा सा अजीब सा हो गया। समय के साथ इस प्लास्टिक सर्जरी की वजह से उनके चेहरे पर पड़ने लगी थी दरारें जो काफी नजदीक आने से साफ दिखाई देती थी, खासकर बिना मेकअप के जब वो परफॉर्म नहीं करते थे। इसलिए जब भी वो पब्लिक में जाया करते थे, लोगों के करीब जाया करते थे, तो अपने चेहरे पर वही इसलिए वे समझते थे उनकी नाक ऐसी कैसी है, दरारों को छुपाने के लिए मास्क पहन लेते थे। यार आई थिंक इस वीडियो में मैंने बहुत सारे सवालों का जवाब हाँ।
तो इस गोल्डन सूट और हाई वोल्टेज लाइटिंग के कॉम्बिनेशन और साइड इफेक्ट की वजह से उनकी स्किन में हो गया था डीप बर्न, जिसके इलाज की वजह से उन्हें एक के बाद एक प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ी और इसी की वजह से उनका रंग गोरा हो गया और उनकी नाक का शेप थोड़ा सा अजीब सा हो गया। समय के साथ इस प्लास्टिक सर्जरी की वजह से उनके चेहरे पर पड़ने लगी थी दरारें, जो काफी नजदीक आने से साफ दिखाई देती थी, खासकर बिना मेकअप के जब वो परफॉर्म नहीं करते थे। इसलिए जब भी वो पब्लिक में जाया करते थे, लोगों के करीब जाया करते थे, तो अपने चेहरे पर उन दरारों को छुपाने के लिए मास्क पहन लेते थे। यार आई थिंक इस वीडियो में मैंने बहुत सारे सवालों का जवाब भी दे दिया होगा और बहुत सारी की वीडियो भी खत्म हुई, मेरे वीडियो खत्म हुई। तो अब आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।